नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अलीगढ़ से रामघाट रोड स्थित पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय में एक्सरे टेक्नीशियन कर्मचारी जगमोहन का 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में जगमोहन ने 10,000 रुपए की रिश्वत को कम बताया और 20,000 रुपयों के एक्सरे टेक्नीशियन द्वारा मांग की गई। जिस वीडियो में 20,000 रुपए सीएमओ के नाम पर और सीएमएस के नाम पर 10,000 रुपए की मांग करते हुए 10,000 रुपए अस्पताल के लोगों में बांटे जाने की बात कही गई। जिस मामले में स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक अधिकारी रोहित सक्सेना ने प्रकरण की जांच सीएमएस दीनदयाल उपाध्याय को सौंप दी गई है। जिस स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त करने के बाद आज कांग्रेस कार्यकर्ता इंजीनियर आगा यूनुस अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और उन्होंने अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को जांच अधिकारी नियुक्त करने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस मामले को दबाने का काम किया जा रहा है। जब इस रिश्वत कांड की जांच उसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की टीम करेगी तो रिश्वत लेने की जांच आखिर निष्पक्ष कैसे होगी। दरअसल अलीगढ़ जिले में स्थित दीनदयाल अस्पताल कर्मचारी की रिश्वत लेते वायरल वीडियो पर सियासत गर्मा गई है। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इंजीनियर आगा यूनुस ने पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय में हुए रिश्वत कांड पर कहा कि पंडित दीनदयाल अस्पताल एक सरकारी अस्पताल है जो जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई से इस अस्पताल में गरीबों के तौर पर तमाम बीमार मरीजों का मुफ्त में इलाज होता है। जहां इस अस्पताल का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया है। इस रिश्वत कांड की निष्पक्ष जांच एजेंसी से न्यायिक जांच होनी चाहिए क्योंकि ये मामला एक सरकारी कर्मचारी का रिश्वत लेने का मामला है जिसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि जिस तरह से ये मामला चल रहा है इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जा रहा है। दीनदयाल हॉस्पिटल में पैसे लेते हुए वीडियो एक वायरल हुआ था, उसी के संबंध में इन्होंने अपना ज्ञापन दिया। क्या मांग रही है? क्या मांग रही है? अब इनकी जो भी मांगे हैं इन्होंने लिखित में दी है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सामने आया स्वास्थ्य विभाग का, कौन दिख रहा है उसमें और क्या हो रहा है वीडियो में? जी, अभी कल ही एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें दीनदयाल अस्पताल के एक एक्सरे टेक्नीशियन है, उनके संबंध में कुछ रिश्वत लेने का, कुछ पैसे लेने का मामला सामने आ रहा है। किस पे आरोप लगाए और ये जो कह रहे हैं सीएमओ को पैसे जाते हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सबसे पहले तो इसके लिए सीएमएस जो है दीनदयाल के, उनसे आख्या मांगी गई है और ये जिस तरह से आरोपित किया गया है और इसके अलावा जिस तरह से ये पैसे लेने का मामला सामने आ रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन की, उसके बिल्कुल खिलाफ है। और उसके लिए सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि इस कार्यालय का उससे कोई भी संबंध नहीं है। और फिर भी हम चाहेंगे कि बात निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए डीएम साहब को भी पत्र लिखा जा रहा है कि एक मजिस्ट्रियल जांच निष्पक्ष रूप से इसके लिए होनी चाहिए। प्राइमरी तौर पर अगर उसमें देखा जाए तो कितने पैसे लिए हैं, क्या देखा? जो वीडियो में इस समय नज़र आ रहा है वो जो चल रहा है अमाउंट, वो 10,000 की बात चल रही है जिसमें वो बता रहा है इस बारे में कि, लेकिन एग्जैक्टली ये पूरा मुद्दा क्या है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन दोषी है, उसके लिए सीएमएस से भी आख्या मांगी गई और उच्च स्तरीय जांच के लिए भी लिखा जाएगा। समय बीत गया, अभी तक कोई जांच सामने नहीं, क्या कार्रवाई की गई विभाग की तरफ से? नहीं, ये क्योंकि कल ही संज्ञान में आया है और इसके लिए जो पत्र वगैरह हैं वो आज तैयार करा दिए गए हैं और आज ही व्यक्तिगत रूप से भी डीएम सर से इस बारे में बात की जा रही है कि एक मजिस्ट्रियल जांच इसमें बिठाई जाए। विभागीय जांच के लिए सीएमएस को कहा गया है कि वो आख्या उपलब्ध कराएं, उनसे आज शाम या कल तक हमें आख्या मिलने की पूरी उम्मीद है। कौन सकता है वो जो 10,000 रुपए ले रहा है? एक्सरे टेक्नीशियन है कोई दीनदयाल में, उसका नाम अभी मुझे उसकी जानकारी नहीं है और एक्सरे टेक्नीशियन है। जो भी सख्त सख्त कार्रवाई होगी क्योंकि ये कृत्य बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और चाहे करप्शन 2 रुपए का हो चाहे 1,00,000 रुपए का हो, ये समाज पर एक धब्बा है और इसे मिटाना ज़रूरी है और इसके लिए जो भी सख्त सख्त कार्रवाई होगी जांच के बाद वो की जाएगी। वीडियो का संज्ञान ले लिया? जी, वीडियो मेरे संज्ञान में है। देखिए, मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस पार्टी लीडर अलीगढ़। आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। जो दीनदयाल अस्पताल एक सरकारी अस्पताल है जो जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई से गरीबों के तौर पर मुख्यतः इलाज होता है और तमाम मरीजों का भी इलाज होता है, इसके लिए हम उतरे हैं क्योंकि इसके अंदर एक प्रकरण मामला एक वीडियो सामने आया है जिसकी जांच जो है वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच एजेंसी से न्यायिक जांच होनी चाहिए क्योंकि यह मामला सरकारी कर्मचारी के रिश्वत लेने का है। और अगर जिस तरह से मामला ये चल रहा है, हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले को ढकने का काम हो रहा है और आखिर जो जांच कर रहे हैं वो डॉक्टरों की टीम करेगी उसी अस्पताल की, उसी सरकारी अस्पताल की। ऐसा कैसे होगा कि भाई उसी अस्पताल में एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया और उसी अस्पताल के डॉक्टर उसका इलाज, उसकी जांच करेंगे? तो क्या मुनसफ और मुजरिम वही रहेंगे? हम ये नहीं मानने वाले। हमारी सीधी सीधी मांग है कि इस प्रकरण के अंदर, चूंकि वो उस आरोपी ने जिसने पैसे लिए उसने
तमाम उच्च अधिकारियों के नाम लिए हैं किसी के, उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है, यह घिनौना कृत्य है जिसका उजागर होना चाहिए। हम इस साफ साफ कहते हैं कि उस कर्मचारी को बर्खास्त करो और तमाम जो कर्मचारी इसके अंदर संलिप्त हों उनको वहां से तत्काल हटाया जाए ताकि वो जांच को प्रभावित न कर सके और इसकी जांच न्यायिक जांच कराई जाए और सिटिंग जज के अधीन कराई जाए। सिटिंग जज के अधीन इसकी जांच होना अति आवश्यक है क्योंकि जनता के पैसे की बात है, भ्रष्टाचार जैसे घिनौने कृत्य की बात है, गरीबों के पैसे की कमाई से बने हुए सरकारी अस्पतालों में अब लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भ्रष्टाचार किसी कीमत पे न तो अलीगढ़ न उत्तर प्रदेश सह सकता। हम भ्रष्टाचार को मुक्ति दिलाकर अलीगढ़ को एक राहत दिलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए।